थैलेसीमिया भारत में एक बड़ी समस्या है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। हमारे रक्त में जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं वो उनका हीमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को हर सेल में ले जाना और जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो अनीमिया कहा जाता है। इससे कमज़ोरी, जल्दी थकान, शरीर में पीलापन जैसी समस्याएं होती हैं। थैलेसीमिया भी एक विशेष तरह की अनीमिया है जिसमें जन्म से हीमोग्लोबिन सामान्य से कम बनता है। इस बीमारी में जेनेटिक मशीनरी उचित ढंग से काम नहीं करती। यहाँ ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि हर थैलेसीमिया के पेशेंट को अनीमिया नहीं होती। थैलेसीमिया माइनर बहुत आम समस्या है। थैलेसीमिया दो तरह का होता है, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर का काम आम है, हालांकि इसमें मरीज को ज़्यादा समस्या नहीं होती। उसका हीमोग्लोबिन सामान्य से थोड़ा कम होता है ज़्यादातर लोगों में। सामान्य अडल्ट की बात करें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में 13 और महिलाओं में 12 से कम नहीं होनी चाहिए। थैलेसीमिया माइनर में ये 10 से 12 के बीच ही रहती है। अधिकतर लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि उनका शरीर हीमोग्लोबिन के इसी स्तर के मुताबिक ढल जाता है। कई बार ऐसे लोगों को रिपोर्ट देखकर अनावश्यक आयरन की दवाएं दे दी जाती हैं। ऐसा करने में नुकसान हो जाता है। अगर आपका आयरन कंटेंट कम है तो ही आप आयरन की सप्लीमेंटेशन दें। थैलेसीमिया मेजर एक गंभीर समस्या है। थैलेसीमिया मेजर में जन्म के बाद से ही हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है। बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद ही बीमारी का पता चलता है। हीमोग्लोबिन नहीं बनने से बच्चे का विकास रुक जाता है और सही उपचार नहीं मिलने पर जान पर जोखिम बन जाता है। ये लिवर और हार्ट को इफेक्ट करता है। थैलेसीमिया की आशंका कब हो? भारत में थैलेसीमिया माइनर के 3 से 4% लोगों में मौजूद है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कुछ एरिया में ये 6 से 8% भी है, लेकिन कोई स्पष्ट लक्षण नहीं उभरने से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता। यदि माइनर के 2 लोगों को आपस में विवाह करते हैं तो बच्चे में 25% थैलेसीमिया मेजर होने की आशंका होती है और थैलेसीमिया माइनर होने की आशंका 50% होती है और 25% मामलों में थैलेसीमिया जीन जो है बच्चे में नहीं पहुंचती और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है। कुल मिलाकर थैलेसीमिया मेजर होने की आशंका 25% है। उपचार की बड़ी सुविधाएं हैं। थैलेसीमिया मेजर का आज सहजता से उपचार संभव है। बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर ही नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। आज देश में हर जिले में ब्लड बैंक की सुविधा है जिससे कि जीवन बचाना पहले से आसान हो गया है। हीमोग्लोबिन 10 के आसपास रहने से बच्चे का विकास सामान्य रूप से होता है। आयरन की अधिकता रोकने के लिए कीलेशन थेरेपी नियमित रूप से दी जाती है। ये ऐसा योग है जिससे शरीर बहुत नियंत्रित करके रखता है। दरअसल शरीर में कोई व्यवस्था नहीं है जो अतिरिक्त आयरन को बाहर निकाल दे। रेड ब्लड सेल्स में जब आयरन एकत्र हो जाता है तो ये लिवर और हार्ट दोनों अंगों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में थैलेसीमिया मेजर के मरीजों की एक समय के बाद कीलेशन थेरेपी शुरू कर दी जाती है। शुरुआती लक्षण बच्चे में बच्चे का विकास और वजन में ठहराव हो जाता है, पेट में सूजन, शरीर का पीला पड़ जाना और बच्चे का लगातार असामान्य रहना। कैसे पता चले? हीमोग्लोबिन का स्तर से पता चल सकता है और CBC जांच के अलावा HPLC टेस्ट से भी थैलेसीमिया को कंफर्म किया जाता है।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक प्रभावी ट्रीटमेंट है। इसकी कॉस्ट कोई 15 लाख रुपए है और अगर स्टेम सेल्स जो हैं हमें कम्युनिटी से लेने पड़े तो इसकी कॉस्ट 25 लाख हो जाती है। थैलेसीमिया मेजर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ख़त्म किया जा सकता है। इसमें बच्चे के डीएनए को स्वजन से मैच किया जाता है, खासकर सगे भाई बहन से। सही डोनर मिल जाने पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें मरीज़ की बोन मैरो देकर बीमारी को ख़त्म किया जाता है। इससे खून बनने का सिस्टम बदल जाता है। ये तरीका बीमारी को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। देश के बड़े बड़े शहरों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। हिंदुस्तान में ही कोई 150 सेंटर हैं जहां पर इसकी सुविधा उपलब्ध है। कोल इंडिया 10 लाख रुपए देती है रिक्वेस्ट पर और पीएम योजना से भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों को इसकी ज़रूरत है वो थैलेसीमिया सोसाइटी से परिचय लें और अपना बच्चे का ट्रीटमेंट कराएं।